उम्मे आशा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज्वेरिया आशा से कहती है कि एक बार फिर से आपकी उस घर में इंसल्ट हुई है, लेकिन फिर भी आप हर रोज़ वहाँ पर जाती हैं, यास्मीन आंटी का ख्याल रखती हैं, आप ऐसा क्यों करी हैं? आयशा ज्वेरिया से कहती है कि मुझे यास्मीन आंटी का ख्याल रखने में खुशी मिलती है और मैंने असफ़त से भी कहा है कि मैं हर रोज़ आया करूँगी और असफ़त को भी इस बात से बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है। और ज्वेरिया आयशा से कहती है कि उन लोगों को एतराज़ क्यों होगा, उन लोगों को फुल टाइम मेड मिल रही है, वो भी बिना पैसों के। आप ऐसा क्यों करी है? आप ही आप जानती है ना कि आपको वहां पर जाकर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अनुषी आपको बहुत ज्यादा बातें सुनाती है, दूसरी तरफ आपकी मोहब्बत जो हर वक्त आपके सामने रहती है और आप उससे कह भी नहीं सकते कि आप उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। तो ज्वेरिया की तमाम बातें सुनकर आयशा ज्वेरिया से कहती है कि तुम बार बार असफत का नाम क्यों लेती हो मेरे सामने? तुम जानती हो ना कि मैं असफत से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अनुषी को असफत से दूर नहीं करूंगी। कभी भी नहीं चाहूंगी कि अनुषी और असफत एक दूसरे से दूर हो जाए, उन दोनों की शादी ना हो। तो व्यूअर्स आपको लगता है क्या आयशा और असफत की शादी होगी या फिर अनुषी और असफत की? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।